ऐसे मुगल है जिनकी औकात नहीं है, दो कौड़ी की ये मुगल, इनकी इनकी अस्थि पड़ी है अंदर, अरे अस्थि छोड़ी सड़ा गड़ा शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिनना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं, मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा तभी आप किसी। हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं है? सही बात है। नारियल की शक्ल के तेरी मुंह ना देखो, मुंह ना देखो, मुंह देखो, इतना सा बाल ना देखो, सब बाल देखो इसकी, फिर इससे बड़े बड़े तो फिर कौन मिटा रहा है? कौन इस्लाम, इस्लाम के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ रही है, पड़ा है, हम मिटने वाले हैं। पे जो सरकार दो बार बनी है, तीसरी बार भी उन्हीं का चांस है और चौथी बार भी उन्हीं का चांस है, आप चिंता ना करें। क्यों हिंदुत्व की सरकार ही बननी चाहिए, हम हिंदुओं को ऐसा क्या बेनिफिट मिल गया? आपको क्या लगता है तो क्या अफजल की सरकार बने? देख मतलब की क्यों नहीं बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं हमारे देश में बाबरी आन बापी रहे? आखिर क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। क्या बोला तूने? आन बापी रहे, आखिर क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। सब ये कह रही है कि आखिरकार क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। अपने कानों में मेरे दर्द तो होगा बट रिएक्शन भी दूंगा जिससे आपको थोड़ा फनी लगे यार, क्योंकि मेरा रिएक्शन देने का मोटिव एक ही होता है, जो मीम्स एडिट होते हैं ना यार, कसम से इतने गजब होते हैं ना, मुझे इतनी हंसी आती है यार, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। इससे पीछे वाली दो वीडियो पे भी हमने रिएक्शन दिया था, उस पे आपने बहुत प्यार दिया, कसम से मेरी एक्सपेक्ट इतनी नहीं थी बट आपने दिया, उसके लिए शुक्रिया भाई। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस पे भी देना, तो वीडियो इन्जॉय करना, एंड एंड बात करेंगे इसने बका क्या है और इसमें अब आपके मुगल कौन थे? चलो ठीक है भाई, मुगलों ने इस देश में राज किया, आक्रमण किया, इस देश की बहन बेटी को लूटा, बलात्कार किया, तुम्हें लफ्ज याद करवाया, तुम्हारा इस्लामीकरण करवाया, सब करवाया, लेकिन तुम होते हो कौन? अबे बदबू पांडे, मुगलों ने ताजमहल बनाया, मुगलों ने लाल किले बनाया, उसी से तुम्हारा पेट रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेगा जिसका नाम है भगवत गीता, हर उनके पास तो है ना 56 देश, उनके पास तो है ना 56 देश। जली ना, तेरी भी जली ना। देश दिक्कत है अपने देश में मौत। यार मुझे मीम्स पे इतनी हंसी आती है ना यार, उसको भी जवाब, मेरे को इसकी फालतू बकवास पे तो मेरा गौर जाता ही नहीं है, बट मुझे जो एक हाईलाइट मीम्स आता है ना अक्षय कुमार जली ना यार, मतलब जो मजा है ना रोस्ट, जो इंसान रोस्ट तो कर देता है बट जो मीम्स लगाने वाला, जो एडिटिंग वाला होता है ना यार, बहुत दिल से सैल्यूट है यार। मुझे वीडियो तो मतलब ही नहीं है, क्या भोगती है या क्या भक्ति है, व्हाटएवर कुछ भी करे, अपने को वो सुनना नहीं है, अपन से वीडियो एंजॉय कर रहा है, वीडियो एंजॉय ही करना, ठीक है ना, फालतू बात है नहीं। जूती में खून भर जाता है, जमीन से कोई हटा सकता है ना, ये जमीन से कोई भगा सकता है, ये जमीन मेरी है और मेरे भाई भाई मेरे घर में देखा, कुरान मेरे घर पे रखी है। हमारा मंदिर जितना टैक्स देता है ना, आज हमारा भारत उसके दम पे चल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतिहास को देखे तो बाबर आया लूट के ले गया, बाबर आया लूट कहाँ ले गया, क्या छोड़ा दे, कहाँ लूट के ले गया, क्या छोड़ा दे, ये देखो ना इतना कमा रहे, ये छोड़ा ये ना लाल किला। अरे गजब। हाँ स्कूल उन्होंने तुम्हें बनाया, मदरसा उसको भी तो स्कूल ही कहा जाता है ना, जहाँ पे सिखाया जाता है। इन लोगों को हमारे हमारे होली से दिक्कत है, हमारे किसने बोला भाई दिक्कत है, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम, इस्लाम को आने वाले जो टाइम है। ये रिपोर्टर बहुत खतरनाक है यार, बस हिंदुत्व के नाम कौन मिटा रहा है, कौन इस्लाम, इस्लाम के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ रही है, कौन पड़ा है, हम मिटने वाले हैं। इस्लाम के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है पर मिटने वाले नहीं है, जो सच रहता है वो कभी थोड़ा मिटता है। अब यही वाली बात है कि हम कभी देखा है आपने कि कोई हिंदू को पकड़ के जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवाते हुए? 2024 जो सरकार दो बार बनी है, तीसरी बार भी उन्हीं का चांस है और चौथी बार भी उन्हीं का चांस है, आप चिंता ना करें। क्यों हिंदुत्व की सरकार ही बननी चाहिए, हम हिंदुओं को ऐसा क्या बेनिफिट मिल गया? आपको क्या लगता है तो क्या अफजल की सरकार बने? देख मतलब की क्यों नहीं बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं हमारे देश में बाबरी आन बापी रहे, आखिर क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। क्या बोला तूने? आन बापी रहे, आखिर क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। सब ये कह रही है कि आखिरकार क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। तो भाई साहब मंदिर बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, आप अपना पूजा करो, परवाह नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सही क्या कर रही है, आखिरकार क्यों रहे मस्जिद, तो मैं इसको एक बात कहना चाहूंगा, जरा सुनिएगा। यार
और डाक घर में खंचेगा और लड़के को जा मुलान भाई मिल है मुलान म्यूजिक यार। योगी सरकार ने ये दावा किया था कि यूपी को दंगा मुक्त बनाएंगे। अच्छा, और उन्होंने अपना ये कार्य पूरा भी किया, लेकिन क्या करें, अगर घर में जयचंद रहते हैं ना तो उनसे बचना तनिक मुश्किल हो जाती है। ठीक है समरिया, ठीक है समरिया। ये जो अभी हमारे देश की स्थिति पैदा हुई है ना, ये और किसी की वजह से नहीं, हमारे देश में बैठे जयचंदों की वजह से हुई है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरी आपने देखा है योगी का उत्तर प्रदेश में 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 0 नंबर देंगे। और बताइए, हम कलम ही नहीं चलाएंगे, हम कलम ही नहीं चलाएंगे। बताया कि यहाँ की रोड बनवाएंगे, वहाँ की रोड बनवाएंगे, कमल के तरह क्या, गुलाब की तरह निखिला। अब विकास तो इतना किया कि कोरोना में उनके मंत्री बच्चों के ड्रेस तक खा गए। कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन ऐसे मुगले जिनकी औकात नहीं है, दो कौड़ी की ये मुगल, इनकी इनकी अस्थि पड़ी है अंदर, अरे अस्थि छोड़ी सड़ा गड़ा शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते, मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा तभी आप किसी। हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मट्ठा टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा, या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं है? सही बात है। और मैं जब तक अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अखंड भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कौन नहीं देखना चाहता है? अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इतने सबको काबू कर पाएंगे? 20 करोड़ तो काबू भारत के हो नहीं रहे हैं। अखंड भारत के साथ वहाँ के मुसलमान भी आएंगे। ये कहाँ से आता है ये इतना सब कुछ? किसी को प्यार से समझाना सीखिए, बात करना सीखिए। मजा आया, मजा आया। मुश्किल हो जाएगा। तो सुनिए जनाब, अगर हम महाभारत पे आ गए तो 18 दिन में आप सबके सब मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। शुक्र मनाइए कि हम महाभारत की स्थिति पर नहीं आ रहे। आपको जाना चाहिए कुरुक्षेत्र, आज भी वहाँ की मिट्टियाँ लाल है, उस चीज को कभी भूलिएगा मत। इस तरह की जो नपुंसक वाली धमकियां दे रहे हैं ना आप, मदनी साहब की, माफ करिएगा मैंने साफ बोल दिया, गलती हो गई, दो कौड़ी की औकात नहीं है इन जनाब की। और ये इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं कि ये देश सरिया पे चलेगा, सरिया पे चलेगा तो चला के दिखाइए। 15 मिनट जिसको हम गर्व से कहें वो हिंदू राष्ट्र है, आखिर क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, इतना हम क्यों सहें, आखिर हमारा ना धर्म क्या? ऐसे जो तुम चिल्लाती हो तो मानर सुर लगती हो, पर चिल्लाती हो तो मुझे लगता है क्या कि वो जो ट्रेन पे रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिजड़े, हाँ, वही लगती हो। यार गंदर हो, तो क्या ये बात सही है कि तुम वही लगती हो, जरा बता देना पब्लिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अरे यार क्या एडिटिंग कर रही है, खतरनाक। मुझे डाउट हो रहा था इसलिए बोला, मुझे क्या पता, अरे हो सकता है भाई साहब। गंदा। कैसा लगता है जब आपको कोई लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है तो? अब इससे ज्यादा गौरवान्वित का बात मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मुझे इतने बड़े उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी उपाधि से? जी बिल्कुल। बोल रहे नारियल की शक्ल के तेरी, मुंह ना देखो, मुंह ना देखो, मुंह देखो, इतना सा बाल ना देखो, सब बाल देखो इसकी, फिर इससे बड़े बड़े तो फिर। सो गाइस, रिएक्शन इज व्हाट, आई होप भाई आपने एंजॉय करियो क्लिप, बिकॉज यार एंजॉय करने वाली जो मीम्स होते हैं ना उस पे एंजॉय किया करो। ये जो बोलती है तो बोलने दो, क्योंकि ये बकवास ही बोलती है, इसका नाम गलती से खुशबू है और फैलाती बदबू, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और जैसे आपने भाई 2-3 वीडियो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया, एंड भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस वीडियो पे भी, और यार कमेंट करके बता देना अगर इस पर और पार्ट चाहिए, मैं बना दूंगा। रिएक्शन आते रहेंगे, मिलते हैं किसी भी वीडियो, जब तक लिए बाय एंड टेक केयर। एंड भाई एक बात और, जैसे आपने इससे 2 पिछली वीडियो पर प्यार दिया ना भरपूर, ऐसी इस पर भी देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर वीडियो आती रहेगी, आप तक पहुंचती रहेगी, कुछ भी आता रहता है अपने चैनल पर, कभी ये, कभी गाने, कभी कुछ भी, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वो भी आएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक लिए बाय।